आप जब किसी जूठे बर्तन को साफ करते होंगे तो आप ये जानते होंगे कि आपके हाथ में कालिक लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस कालिक को कोई अपने मुंह पे पोत ले। यहां का प्रशासन तो यही काम कर रहा है, इस गंदे और जूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय उस कालिक के साथ स्वयं लिप्त होकर के उसको अपने मुंह पर अपने चेहरे पर पोतने का कार्य कर रहा है। और ये युवा आज आया है यहाँ पर उस कालिक को पोतने के लिए, उस कालिक से मुंह साफ करने के लिए, बताने के लिए कि नहीं, ये कालिक मुंह पे नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए, और अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। हम उसका जवाब उसी भाषा में, और उसका जवाब जिस भाषा में वो जानेगा, जिस भाषा में वह उस सीखना चाहता हो, जिस भाषा में वह अच्छी तरह समझ सकता हो, उस भाषा में उस जवाब को हम देना जानते हैं। और अगर प्रशासन ही चाहता है तो फिर तैयारी कर ले। यह हमारे लिए बहुत कठिन नहीं, इस प्रकार के तत्वों पर नकेल कसना, एक झटके में सब काम ठीक हो जाएगा और प्रशासन तय कर ले। लेकिन भारत के संविधान के प्रति टूट अटूट निष्ठा होने के नाते हम चाहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन इस कार्य को करे, और अब तक प्रशासन को यह कार्य कर लेना चाहिए था। मैं तो बार बार इस बात को कहता था, मैं गोरखपुर में था।